राहुल गांधी के बाद वरुण बोले डरो मत। पीलीभीत के लोगों से बोले वरुण, मैं बनूंगा डरे हुए लोगों की आवाज। बीजेपी को बताया धर्म का असली मतलब। वरुण का बीजेपी छोड़ना हो चुका है तय। वरुण गांधी अब बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं, वो कांग्रेस में जाएंगे ये भी तय हो चुका है। और ये भी तय हो चुका है कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र का वो लगातार दौरा कर रहे हैं। एक साल बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वरुण गांधी के निशाने पर अपनी ही सरकार बनी हुई है। वरुण बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के इस समय मुखर विरोधी हो गए हैं। उन्होंने पीलीभीत में जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी पर तंज कसते हुए, मेरी राजनीति की नींव धर्म है। इस धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि धर्म का असली अर्थ न्याय का पालन करना है। मैंने तय किया कि हम लोग राजनीति में उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जिनके लिए लोग डर रहे हैं। दरअसल आजकल राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में रोज जिस शब्द का जनता के बीच दोहराते हैं वो है डरो मत। और वरुण गांधी भी कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज बनेंगे जो लोग डर रहे हैं। इसके साथ ही वरुण ने किसानों की एमएसपी की मांग को भी उठाया और कहा कि जब तक किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक उनकी दशा नहीं सुधर सकती। वरुण इस समय हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारे सांसद बनने का रास्ता आपने शुरू किया था, उसके बाद मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा। मैं अर्थशास्त्री हूं और अखबारों में लेख लिखता रहता हूं। सरकार की जो कमियां हैं उन्हें बताता हूं और शायद वरुण गांधी की ये खूबी ही उनकी मुश्किल बन गई है, क्योंकि वरुण गांधी के लेख और उनके बयानों से बीजेपी सरकार की किरकिरी भी हो रही है। इस दौरान वरुण गांधी ने कहा कि वो सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन का एक पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, उसे आम जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च कर देते हैं। सांसद को मिलने वाले वेतन को लेकर उन्होंने कहा कि जब पहली बार वो सांसद बने और संसद भवन गए तो 1,00,000 रुपए का चेक मिला। इस पर लोकसभा अध्यक्ष से पूछा ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया कि आपका वेतन है। इस पर मैंने कहा कि ये मैं नहीं चाहता, तो जवाब मिला कि इसको वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वरुण प्रधानमंत्री से मिले, उनसे मिलकर कहा कि सरकारी गाड़ी और सैलरी नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि जब वो छोटे थे तो उन्हें पता चला था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था। वरुण ने कहा कि मैंने अपने संसदीय मित्रों को चिट्ठी लिखी, इसमें जितने करोड़पति सांसद हैं उनसे निवेदन किया कि अपना वेतन त्याग दें, वो अपना वेतन अपने क्षेत्रीय गरीबों में लगाएं। खुशी की बात है कि 60 से 70 सांसदों की चिट्ठी वापस आई और कहा कि आपकी बात स्वीकार है। वरुण गांधी जिस तरह से पीलीभीत में सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी उन्हें टिकट दे या ना दे, वो पीलीभीत से चुनाव जरूर लड़ेंगे। वैसे इस बात की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। पार्टी ने जिस तरह से वरुण गांधी को किनारे कर दिया उससे साफ है कि उन्हें बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी। लेकिन वरुण के तेवरों से भी ये साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए वरुण गांधी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि वरुण गांधी अगर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सपा गठबंधन का समर्थन मिलना भी तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।